हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज हम देने वाला है कोई एक इमेज का पर्टिकुलर कुछ पोर्शन के ऊपर लाइटिंग इफेक्ट। मतलब पहले ऐसे था, इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले एक इमेज ले लिया इधर, फिर इधर इसका ऊपर सिंगल क्लिक करके इसको हम लोग कर देंगे अनलॉक। अभी ये जो इमेज है, ये इमेज का मुझे जो मशरूम है इधर, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं इधर से क्विक सिलेक्शन टूल ले लेंगे। क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद क्लास में लेंगे। क्लास में लेने के बाद इसको खींच के हम लोग ऐसे करके इसको कर देंगे सिलेक्ट। ओके, ओके, तो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद क्या करना है, हमको कंट्रोल जे प्रेस करना है कीपैड का, कंट्रोल जे। ओके, तो हमारा ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी क्या करना है, इसको हम कर लेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हमको जाना है फिल्टर में, फिर ब्लर में, ब्लर के बाद गॉसियन ब्लर। इधर आके इसको हमको कम कर देने का है, लगभग कर दो। ओके ओके, यहाँ रख दिया। अभी इसको कर लेंगे मैं फिर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद फिर जाएंगे गॉसियन ब्लर। अभी इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। ओके, थोड़ा सा बढ़ा दिया ऐसे करके 66, 50, 52। ओके, ऐसे कर दिया। ओके, अभी क्या करना है, इसको फिर एक बार लेना है, डुप्लीकेट करना है। कर दिया। अभी इसको और भी थोड़ा हम और भी थोड़ा इसको बढ़ा देंगे इसके ब्लर, ठीक है। अभी इसको कर देंगे 150। चलो ठीक है, जितना हम ब्लर बढ़ाएंगे इसको, ये उतना फैलेगा बाहर का तरफ, ठीक है। तो हम इतना रख देंगे 355, 300 थोड़ा सा आएगा। ओके, अभी क्या करना है, हमको ये जो लेयर है ना, ये लेयर को रीअरेंज करना है। मतलब नीचे को ऊपर लेके जाना है और ऊपर वाले को नीचे लेके आना है। तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। ओके, इसका नाम लिख देता है 2 और ये का नाम कर देता हूँ 1। ओके, अभी क्या करना है, 1 को मुझे ऊपर लेके जाना है। 1 को लेके चला गया ऊपर, ठीक है। फिर 2 को लेके गया इधर, फिर 3। ओके, इसका कितना है, इसका है 52 और सबसे ज़्यादा रहेगा इसको 333। ओके, अभी क्या करना है, ये तीनों को मुझे ग्रुप कर देने का है, सिर्फ जाके कंट्रोल जी। ओके, तो ग्रुप कर दिया। अभी इधर से हमको एडजस्टमेंट लेयर को जाना है, जाने के बाद लेना है ह्यू सैचुरेशन। ओके, ह्यूज सैचुरेशन लेने के बाद हमको इधर नीचे जो बॉक्स है ना, इसका ऊपर क्लिक कर, इसका ऊपर क्लिक करना है कलराइज। ओके, अभी हमको जो कलर चाहिए वो कलर इधर से मुझे सिलेक्ट करना है। सपोज मेरे को इधर से ये कलर चाहिए, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, ये कलर चाहिए तो इधर को, ये कलर का इधर जो सैचुरेशन है, ये जितना हम बढ़ाएंगे कलर का डेंसिटी उतना बढ़ जाएगा। देखो हम बढ़ा रहे हैं तो कलर भी ज़्यादा हो रहा है। ओके, इतना तो चलेगा, ठीक है। अभी लाइटनेस में तो लाइट कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, हम लाइटनेस इतना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी ये सेटिंग करने के बाद हमको इधर क्या करना है, इधर क्रिएट पीपिंग मास्क, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। कर दिया, पीपिंग मास्क में क्लिक कर देने के बाद अभी क्या करना है, मेरे को नीचे वाला लेयर को सिलेक्ट करना है। नीचे वाला लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हमको फिर एक बार एडजस्टमेंट लेयर लेना है। इधर जाके हमको लेना है एक्सपोजर, ठीक है। अभी एक्सपोजर लेने के बाद इसको थोड़ा हमको कम करना है, एक्सपोज को कम करना है। चलो थोड़ा कम कर दिया। ओके, इतना नहीं। ओके, गामा कॉरिलेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे। ओके ओके, ठीक है। अभी क्या करना है, मेरे को ये जो बॉक्स है ना, मार्क्स है, मार्क्स को सिलेक्ट रखना है। मार्क्स को सिलेक्ट करने के बाद हमको ब्रश टूल लेना है। इधर से इसको फोरग्राउंड कलर मुझे ब्लैक रखना है। ब्लैक रखने के बाद थोड़ा छोटा कर लेंगे ब्रश साइज को, इमेज को भी थोड़ा छोटा कर लेंगे। ओके, अभी थोड़ा इधर से ब्रश कर देंगे। ओके, ऐसे थोड़ा ब्रश कर देंगे, ठीक है। प्रयास कर दिया, जो ह्यू सैचुरेशन का ये जो लेयर है इसको कर लेंगे डुप्लीकेट, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लिया। करने के बाद इसको लेकर आ जाएंगे ग्रुप का नीचे,
ठीक है, ग्रुप का नीचे लेके आने के बाद का जो मार्क्स है ना, इसको हम लोग कर लेंगे इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल आई देखो इन्वर्ट हो गया। अभी क्या करना है, अभी फिर ग्राफ लेना है। अभी इधर ध्यान रखना है, मेरे को फोरग्राउंड कलर ब्लैक नहीं व्हाइट चाहिए। तो इसका जो फोरग्राउंड कलर वो होगा व्हाइट। व्हाइट होने के बाद हम ब्रश ले लेंगे, अभी थोड़ा हल्का सा ऐसे करके पेंट कर देंगे, ब्रश कर देंगे। तो देखो एक ऐसे वाला है ग्लोइंग इफेक्ट इसके ऊपर आ गया। ठीक है ना, ये सब लोगों को पकड़ के हम कर रहे हैं कंट्रोल जी, हमको ग्रुप करना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है देखो, ऐसे था फिर इसको। तो ठीक है, आज हम लोग देखा एक इमेज का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर हम लोग कैसे ड्रॉइंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। तो फिर मिलता हूँ अगले ट्यूटोरियल में। बाय बाय।